खबर भिंड जिले से है आ रही है, जहां पर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कुछ दिनों से शहर में बैंक चेक जो होता है, ब्लैंक चेक चोरी करने की घटनाओं की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, और इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की तलाश की, तो उनसे कड़ाई से पूछताछ भी हुई, तो पूरे मामले का खुलासा हो गया, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 17 लाख के मशरूम का जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चेक जो चोरी हो गया था, उस पर बैंक मैनेजर के द्वारा एफआईआर कराई गई, और उसी के बाद एक और घटना जो है 7 फरवरी को राघवेंद्र शर्मा के द्वारा सेंट्रल बैंक पे उनके 1,10,000 रुपए के चेक का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करा लेने की एफआईआर थाना कोतवाली में कराई गई। दोनों ही घटनाक्रम में फिर देखा गया कि चूंकि चेक वाला जो प्रोसेस है, कोई बाहर का व्यक्ति इसमें या फिर यहाँ का कोई संदिग्ध व्यक्ति इसमें कार्य कर रहा है, तो इसी तारतम्य में थाना कोतवाली और पूरी टीम को निर्देशित किया गया था। तो टीम के द्वारा इसमें मैनुअली और टेक्निकली दोनों ही एंगल से इस पर कार्य किया गया, और बैंक में भी हमारे व्यक्ति लगे रहे। 8